कुछ ऐसा जो आपको और मुझे ले जाए। तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड की यंग जनरेशन एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत पार्ट वन का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए आज इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से और इस फिल्म के सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की तरफ से इस फिल्म के टीजर को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म का एक नया प्रोमो भी आज रिवील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विकास बहल के डायरेक्शन में बनने वाली गणपत सीरीज जिसके दो पार्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा द हीरो राइज। इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सर और कृति सेनन भी नजर आने वाली है। लगभग 150 करोड़ के बजट में बनने वाली गणपत को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, जिसके टीजर का इंतजार ऑडियंस और फैंस काफी दिनों से कर रहे थे। फाइनली दोस्तों, आज इस फिल्म का एक नया प्रोमो आया है जिसमें आपको टाइगर श्रॉफ एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के टीजर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों, इस फिल्म का धमाकेदार, दमदार और एक्शन से भरा हुआ टीजर आपको 27 सितंबर को देखने को मिलने वाला है, जिसे पूजा एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गणपत दो पार्ट में बनने वाली एक एक्शन फ्रेंचाइज है, जिसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल पहले पार्ट के साथ रिलीज किया जा रहा है। तो वही दोस्तों, इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो इस फिल्म की सक्सेस के बाद ही पता चलेगा कि बनेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल में गणपत के ऊपर काफी पैसा खर्च हो चुका है और उम्मीद है कि गणपत बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 30 से 35 करोड़ और लाइफ टाइम में 300 से 400 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, गणपत इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है? ये फिल्म 500 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।